हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल परमार और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स उसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स में कैलकुलस में डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 5.5 को। और इस लेक्चर को देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैट्रिक्स के वीडियो भी अपलोड किए जा रहे हैं और दूसरे टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, आप उनको भी अवश्य देखें। और फिलहाल आज के वीडियो में देखने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स देख रहे हैं और बुक कौन सा होगा हम लोग का एनसीईआरटी और एक्सरसाइज कौन सा होगा 5.5 और क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 1 से 11 तक का जो भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन इसके पहले लेक्चर्स में अपलोड किया जा चुका है, आप उसको भी अवश्य देखें। और इस क्वेश्चन को यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज पहले आप इस लेक्चर को देखने से पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही सुने आप, क्या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है यह लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर ही बेस्ड है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए दो लेक्चर्स कॉन्सेप्ट्स के लिए अपलोड किए गए हैं, आप उसको अवश्य देखें। इससे पता आपको यह चलेगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कब किया जाएगा, क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा और पूरे प्रोसेस को। आई होप कि आप उसको देखे होंगे और तब आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, फिर आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को देखने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तो दिया गया है, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। लिखेंगे क्या गिवेन, क्योंकि यह दिया गया है, गिवेन एक्स पावर वाई प्लस वाई पावर एक्स इक्वल टू कितना है 1, ऐसा दिया गया है। अब ये बताइए वेरिएबल पर वेरिएबल है तो वेरिएबल पर वेरिएबल है तो हमको पता है क्या कि जब भी वेरिएबल पर वेरिएबल आएगा तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करना है। बट कंडीशन ये है कि उसके साथ दूसरा कोई भी टर्म प्लस या माइनस में नहीं हो, तो यहां पर देख रहे हैं कि इसके साथ तो प्लस में है इसलिए डायरेक्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज नहीं होगा। तो क्या करेंगे, एक को यू मानेंगे और एक को भी, तो लिखेंगे पुट एक्स पावर वाई इक्वल टू यू एंड वाई पावर एक्स इक्वल टू भी, तो देयर फोर यू प्लस भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ये यू और ये भी इक्वल टू 1 हो गया। ऐसे अब कीजिए डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स और यहां हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 0 हो जाएगा। अब ये बताइए यहां से इसको क्या कीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, अब यहां से मुझे डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए और डी वी बाई डी एक्स का, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू इस यू से निकलेगा, तो लिखेंगे सिंस यू इक्वल टू एक्स पावर वाई। अब देख रहे हैं कि वेरिएबल पावर क्या है, वेरिएबल है, इसके साथ दूसरा कोई भी टर्म प्लस या माइनस में नहीं है तो लॉग का यूज करेंगे। तो लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, और इधर क्या हो जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग और ये हो जाएगा x पावर y, तो यहां से क्या आएगा ये लॉग u इक्वल टू पावर को क्या करेंगे बाहर, तो y को बाहर कर दिए इंटू कितना लॉग x, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला, तो लॉग a पावर b, सभी क्वेश्चन में यही फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, लॉग a पावर b, तो b को बाहर और ये। इसके बाद ये कैसे बनेगा ये देखिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x और यहां हो जाएगा ये log u है तो क्या हो जाएगा ये d log u और बटा कितना dx एक्स इक्वल टू इधर क्या है y इंटू लॉग एक्स, तो इधर हो जाएगा d y इंटू लॉग एक्स और बटा कितना dx, सही है। अब इसको फॉर्मूला पर सेट कीजिए, कौन सा फॉर्मूला, तो देखिए आप यहां पर जो फॉर्मूला यूज किए वो कौन सा फॉर्मूला था, ये log a पावर b, तो b को बाहर किए और log a, ये फॉर्मूला यूज किए थे। और अब यहां जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वह है डी लॉग एक्स बाई डी एक्स, क्या होता है 1 बाई एक्स, तो देख रहे हैं यहां एक्स है तो यहां भी एक्स, तो यहां पर क्या है u है तो यहां भी क्या आना चाहिए u आना चाहिए। अब देखिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला, डी यू इंटू भी बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे u को बाहर और v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v को बाहर और ये u का डिफ्रेंसिएशन ऐसे इंटू भी, तो यही फॉर्मूला यहां यूज कीजिए। तो यहां पर फॉर्मूला सेट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, d log u और बटा कितना du यू इंटू डी यू बाई कितना डी एक्स इक्वल टू, इस पर ये फॉर्मूला यूज कीजिए, तो y को बाहर इंटू डी log x और बटा कितना dx एक्स प्लस लॉग एक्स को बाहर और ये डी वाई बटा कितना डी एक्स, इसका फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा 1 बाई यू
इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ये कितना y इंटू और इसका फॉर्मूला 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, किसका वैल्यू फाइंड करना है मुझे, डी यू बाई डी एक्स का। तो देयर फोर डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू जाके इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा u इंटू और ये y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे क्या करना है, u का वैल्यू पुट करना है, कौन सा ये x पावर y, तो यहां से हो जाएगा du by dx का वैल्यू x पावर y इंटू y by x प्लस log x इंटू du by dx। ये किसका वैल्यू आया, du by dx का, और इसको माना हम लोग इक्वेशन 2। अब किसका वैल्यू चाहिए मुझे, du by dx का, तो ये कैसे आएगा, इस v से आएगा, तो लिखेंगे एंड v इक्वल टू क्या है y पावर x, y पावर x, तो क्या लिखेंगे यहां से, यहां से लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग क्यों लिया जाएगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्यों वेरिएबल पर वेरिएबल है और इसके साथ दूसरा कोई भी टर्म प्लस माइनस में नहीं है, तो लॉग लेंगे, तो क्या हो जाएगा लॉग भी इक्वल टू लॉग एक्स, क्या है यहां से लॉग वाई पावर एक्स, लॉग वाई पावर एक्स। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, यहां से आएगा ये लॉग भी रहेगा ही, लॉग भी इक्वल टू, अब यहां से कौन सा फॉर्मूला, ये पावर को क्या करेंगे बाहर, तो एक्स को तो बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू लॉग वाई हो जाएगा ऐसे, फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये तो फॉर्मूला है जो कि अलग रहेगा। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, ये हो जाएगा डी लॉग भी और बटा कितना डी एक्स इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डी एक्स इंटू लॉग वाई और बटा कितना डी एक्स आएगा ऐसे। यहां पर फॉर्मूला ये सेट कीजिए, यानी कि देख रहे हैं कि यहां एक्स तो यहां पर ही एक्स, तो यहां भी है तो बटा में क्या आएगा भी, तो ये डी लॉग भी और बटा कितना डी भी इंटू डी भी बटा कितना डी एक्स इक्वल टू यहां पर ये इवेंट भी का फॉर्मूला, तो एक्स को बाहर और ये लॉग वाई का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग वाई को बाहर और एक्स का डिफरेंशिएशन। अब यहां से क्या होगा, इसका फॉर्मूला वन बाई भी इंटू डी भी बाई डी एक्स, और यहां देखिए एक्स इंटू यहां फॉर्मूला सेट है, देखिए इस फॉर्मूले को, तो क्या देखा लॉग एक्स है तो बटा भी एक्स, तो यहां पर वाई है तो बटा भी क्या चाहिए वाई, तो डी लॉग वाई बटा में कितना डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि जो नीचे आएगा से ऊपर जाएगा, प्लस लॉग वाई और डी एक्स में डी एक्स का वैल्यू वन, वन इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो यही बचेगा, सही है। अब क्या कीजिए यहां पर वन बाई भी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू, फिर यहां फॉर्मूला यूज कीजिए ये वाला, एक्स है तो एक्स, वाई है तो वन बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना लॉग वाई, तो देयर फोर डी वी बाई डी एक्स कितना आ गया, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आया कितना भी जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो भी इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस कितना लॉग वाई। अब यहां से भी का वैल्यू पुट कीजिए, तो भी का वैल्यू कौन सा पुट करेंगे, ये वाई पावर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा वाई पावर एक्स, और यहां से आ गया ये एक्स पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, और ये हो जाएगा लॉग वाई, तो ये जो आया यह आया डी वी बाई डी एक्स का, और ये रहा इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन टू और थ्री का वैल्यू पुट करना है, तो लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट में इस सेकेंड का और थर्ड का वैल्यू पुट कीजिए, तो सेकेंड का वैल्यू क्या रहेगा एक्स पावर वाई इंटू वाई बाई एक्स ये प्लस लॉग एक्स इंटू ये देखिए यहां से क्या है ये यहां पर डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, ये मिस्टेक हो गया था पहले देख मिला लेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा प्लस प्लस अब किसका डी वाई डी एक्स का, तो क्या हो जाएगा यहां से y पावर x इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स
प्लस और यहाँ से हो जाएगा ये लॉग वाई इक्वल टू कितना जीरो, इसमें वैल्यू पुट किया गया है। अब क्या करते हैं इससे इस दोनों मल्टीप्लाई और इससे इस दोनों मल्टीप्लाई, तो जैसे ही इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स पर वाई इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स पर वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इस वाई पावर एक्स से इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो वाई पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पावर एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू कितना जीरो, ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए मुझे क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म को इधर रखिए और बाकी को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ देख रहे ये है और ये है तो इस दोनों को इधर ही रखिए, तो इधर क्या रखते हैं हम लोग एक्स पावर वाई लॉग एक्स, एक्स पावर वाई इंटू लॉग एक्स यहाँ है और इंटू में क्या है डी वाई बाई डी एक्स है प्लस इसको भी रखना है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कर दीजिए कौन सा एक्स पावर एम डिवाइडेड बाई एक्स पावर एन, ये तो सिक्स सेवन का फॉर्मूला है, तो क्या करते हैं हम लोग एक्स और एम में से एन को घटा देते हैं एम माइनस एन, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या है वाई पावर एक्स है और वाई पावर वन है तो एक्स में से वन घटेगा तो वाई का पावर एक्स माइनस वन इंटू अब ये एक्स तो रहेगा ही इंटू डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स क्या कि ये एक्स में से ये वन घटा है और ये एक्स्ट्रा अलग है तो इसलिए अलग ये है इक्वल टू ये दोनों इधर लिख लिए, अब इसको और इसको इधर लाएंगे तो माइनस ये जब आएगा तो वाई पावर एक्स इंटू लॉग वाई और फिर ये भी प्लस में है ये भी इधर आएगा तो माइनस और इसमें क्या है देखिए एक्स पावर वाई और बटा में क्या है एक्स पावर वन तो यहां से भी हो जाएगा एक्स पावर वाई माइनस वन इंटू वाई, ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए इसको तो मिटा दिया जाए, अब क्या करते हैं हम लोग यहां से तो इस दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे ये हो जाएगा देखिए क्या यहाँ पर है एक्स पावर वाई इंटू लॉग एक्स प्लस यहाँ पर क्या वाई पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स यह हो जाएगा इक्वल टू कितना, तो इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा वाई पावर एक्स इंटू लॉग y प्लस प्लस क्यों क्योंकि माइनस का मान लिए हैं x पावर y माइनस वन इंटू वाई ऐसे, तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स कितना तो ये गुणा में इधर रहेगा तो भाग में तो माइनस पहले से है y पावर x इंटू लॉग y प्लस x पावर y माइनस वन इंटू वाई और बटा में आ जाएगा ये पूरा कितना x पावर y इंटू लॉग x प्लस y पावर x माइनस वन इंटू एक्स एंड दिस इज एंसर, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं लिखा गया है y पावर x इक्वल टू x पावर y, तो इसको लिखते हैं गिवेन और y पावर x इक्वल टू x पावर y। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इधर में जो है वेरिएबल पर वेरिएबल इसके साथ कोई भी दूसरा टर्म प्लस या माइनस में नहीं है, यहाँ पर भी वेरिएबल पर वेरिएबल है इसके साथ भी दूसरा कोई भी टर्म प्लस या माइनस में नहीं है तो डायरेक्ट लॉग का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है तो क्या हो जाएगा लॉग वाई पावर एक्स इक्वल टू लॉग एक्स पावर वाई हो जाएगा ऐसे। अब फिर फॉर्मूला यूज कीजिए कौन सा, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे लॉग a पावर b इक्वल टू b इंटू लॉग a पावर को बाहर और डिफ्रेंशिएशन का दो फॉर्मूला यूज होगा d log x बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 1 बाई एक्स और d u इंटू वी बाई डी एक्स, तो क्या u को बाहर और v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को बाहर और ये u का डिफ्रेंशिएशन, ये फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है आपको याद भी हो गया होगा, तो यहां से पहले हम लॉग वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो पावर को बाहर तो x को बाहर करेंगे इंटू क्या बचेगा लॉग वाई, यहां से वाई पावर में है तो वाई बाहर इंटू क्या लॉग एक्स, सही है ना। अब करते हैं डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इधर क्या हो जाएगा डी एक्स इंटू लॉग वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स,
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, मतलब ये u इंटू वी। तो कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, x को बाहर और log y का डिफरेंशिएशन, फिर अब किसको, log y को बाहर किए और x का डिफरेंशिएशन इक्वल टू यहाँ से y इंटू log x, तो y को बाहर और log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x को बाहर और y का डिफरेंशिएशन, ऐसे हो जाएगा। और फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे देख लीजिए, यहां पर क्या है x इंटू डी log y और बटा में क्या आएगा dy इंटू dy बाई dx। आप बोलेंगे सर ये बटा में dy बाई dx, dy कैसे आया, तो अगर आप यहां देखेंगे इस फॉर्मूले को, तो यहां x है तो बटा में क्या है dx, तो फॉर्मूला सेट करने के लिए यहां y है तो बटा में क्या लाए dy, देख रहे हैं, और नीचे ऐसे ऊपर भी गया तो फिर dx है नीचे तो dx आ गया, प्लस log y ये रहेगा इंटू dx बाई dx का कितना होता है वन, तो ये वन इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो यही बचेगा इक्वल टू, इधर क्या है y इंटू वन बाई एक्स, log x का फॉर्मूला क्या वन बाई एक्स, आप यहां से देख सकते हैं, फिर क्या प्लस में log x, प्लस में log x इंटू और ये dy बाई dx जो है वो लिख दिए। अब यहां से फॉर्मूला यूज कीजिए, x इंटू वन बाई वाई, ये फॉर्मूला यूज हो गया, इंटू dy बाई dx प्लस log y इक्वल टू, इधर क्या आया y बाई एक्स प्लस ये जैसे है log x इंटू डीवाई बाई डी एक्स, जो भी फॉर्मूला यूज करना था फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिए। अब यहां से ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करना है dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ, तो हम इसको इधर लाते हैं, तो इधर पहले से क्या है x बाई y इंटू dy बाई dx, ये प्लस में इधर इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस log x इंटू dy बाई dx, और ये इधर में है y बाई एक्स प्लस में, और ये देखिए प्लस में log y, इधर आएगा तो माइनस में log y। इस दोनों में से क्या किया जाए dy बाई dx कॉमन लिया जाए, तो क्या बचेगा यहां से आएगा x बाई y माइनस में log x इक्वल टू कितना y बाई एक्स माइनस में log y, ठीक है, यहां भी इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं यहां भी, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे dy बाई dx यहां क्या आ जाएगा x माइनस वाई लॉग एक्स बटा कितना y इक्वल टू वाई माइनस एक्स इंटू लॉग वाई और बटा कितना x आएगा ऐसे। अब यहां ध्यान दीजिए, ये इसको आप इधर भेजिए, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे, तो ये कैसे हो जाएगा देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू उधर पहले से है y माइनस एक्स इंटू लॉग वाई बटा कितना x इंटू ये क्या होगा जो नीचे है वो ऊपर जो ऊपर है वो नीचे, यानी कि y और बटा में क्या आएगा x माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, थोड़ा सा इसको सजा के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ऊपर में y है नीचे में क्या है x, तो y बाई एक्स इंटू क्या ऊपर में है y माइनस एक्स लॉग y और बटा कितना x माइनस वाई लॉग एक्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन।